बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह हुआ कि फलक नूर के वालिद साहब पिछले 2 दिन पहले हमारे पास हाई कोर्ट बार में आए थे हमारे कुछ वकला के साथ, और वो उसने हमसे मदद मांगी थी कि उसकी बच्ची है फलक नूर जिसकी एज 13 साल बनती है, और उसकी उसने हमें फार्म बे भी दिखाया कि मेरी ये बच्ची है, इसको फलाना फलाना यानी कि लोगों जो मशकूक है उन्होंने अगवा किया हुआ है। तो 2 महीने से ये मामला हम सोशल मीडिया में देख रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि हो सकता है पुलिस वालों ने अपनी यानी कि कारदगी थी के तहत ही अभी तक बाजियाब कराया होगा, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो गरीब और मजलूम शख्स को पुलिस से तो इंसाफ नहीं मिली तो वो हमारे पास आए बार में। अब हम ये है कि हम कानून के तालिब इलम है, हमारे पास वकला की एक अच्छी टीम है, लीगल टीम है, हम अपनी यानी कि टीम के साथ इंशाल्लाह फलक नूर को बाजियाब करवा के ही छोड़े दम लेंगे, क्योंकि अभी हमने तहिया किया हुआ है कि फलक नूर को बाजियाब कराना है। उसके बाद हमने कल रात को देखा कि फलक नूर की कोई एक स्टेटमेंट आई है, अब ये स्टेटमेंट उसकी विल के साथ है या नहीं है वो तो बात की बात है, और दूसरी ये है कि 13 साल की बच्ची जो होती है वो अपने वालिदैन के विल के अलावा वो शादी कर भी नहीं सकती, वो शरण भी नाजायज है और अपना कानूनन भी नाजायज है कि 13 साल की बच्ची यानी कि इनमेच्योर है, वो नाबालिग है, और उस सूरत पर उसके वालिदैन के वली के इजाजत के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती है, तो ये भी यानी कि जिना में आता है, तो ये भी एक गैर कानूनी अमल है। और दूसरा बच्ची की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या पता उसको खौफ हरास में करवाया हो या उसकी पसंद है, जो भी है वो कोर्ट में आके बताए ना, ये तो नहीं है कि किसी ने उसको जबरदस्ती तो नहीं किया है, अगर वो वाकई भी ये स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट आके वो कोर्ट में भी दे सकती थी, 2 महीना गायब होने की क्या जरूरत थी। उसके वालिद मोहतरम जो है वो बेचारे दर पदर है, एक बाप अपनी बच्ची को यानी कि 13 साल पालता है, एक आके चुप से उठा के ले जाए ये भी तो गैर कानूनी है, जंगल का कानून तो नहीं है, कानून तो बना हुआ है यहाँ पर, एक सेटल लॉ है, ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पर माँ बहन की तमीज है और रिश्तों की कदर है, ऐसा कोई जानवर वाला निज़ाम तो है नहीं। तो इंशाल्लाह वकला से हमारा मशवरे में बात हुई है, सीनियर से भी हुई है, जूनियर से भी हुई है, तो वकला की एक टीम तैयार हुई है, इंशाल्लाह हम कल छुट्टी है परसों इंशाल्लाह अपनी पिटीशन जमा करवाएंगे। वो लड़की ने खुद नहीं दी है अपना मर्जी से, उन लोगों ने प्रेशर डालकर उसको ये बयान दिलवाया है, ठीक है, वो लड़की खुद लाए यहाँ आए अदालत पर आए आकर वो बयान दे दे, आया बयान वो अदालत उसका मानती है या नहीं पता चलेगा। तो इधर ऐसे ही कि वो लोगों ने उसकी बयान दिलवाया है, उसने अपने मर्जी से ये बयान नहीं दी है। मैं अपनी खुशी से गई हूँ, किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं किया, किसी ने मुझ पर प्रेशर नहीं डाला है, मैं फिर से प्यार करती थी पहले भी और मैं अभी बहुत उससे प्यार करती हूँ, मैं यानी कि मैंने इससे शादी किया, मैंने अपनी खुशी से भाग गई क्योंकि मुझे ये पसंद था और हम लोगों ने मसेरे में निकाह भी किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा अबू सोशल मीडिया पर वैसे टाल के शोर कर रहा है कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है, और मेरी बेटी 13 साल की ना, मैं 13 साल की ना मुझे अगवा किया गया है, मैं सिर्फ 16 साल की हूँ और मैं फरीद के साथ बहुत खुश हूँ।